दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एनएमएमएस एग्जाम में सेट पेपर का पूरा सलूशन करवाने वाला हूं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि आपके सेट पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, साइंस, सोशल साइंस और मैथ, ये तीन सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सेट पेपर का मैं पूरा सलूशन आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं, तो ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाली है और दोस्तों यही पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सेट पेपर करते हैं। तो दोस्तों जल्द ही मैं मैट पेपर के ऊपर भी वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर ले, ताकि दोस्तों आपकी छात्रवृत्ति मिलने तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं विज्ञान के। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रेतोंदी रोग, रिकेट्स, क्वासियोकोर, गलगंड। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेतोंदी रोग। तो दोस्तों विटामिन ए, जिसे हम रेटिनोल भी कहते हैं, इसकी कमी से रेतोंदी रोग होता है। इससे क्या होता है कि इस रोग से क्या होता है कि रात्रि के समय कम प्रकाश में कम दिखाई देता है। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए कौन कौन से भोजन लेने चाहिए? तो इसमें दोस्तों भोजन लेने चाहिए गाजर, गाजर और दोस्तों पपीता, टमाटर, आम, दूध, मछली। तो दोस्तों ये सभी भोजन लेने चाहिए इसकी कमी को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों इससे आपके कितने क्वेश्चन बन गए कि आपको रेतोंदी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए कौन से भोजन आपसे के, तो आप कहेंगे गाजर, पपीता, आम, टमाटर, दूध, मछली। तो दोस्तों ये सभी, तो एक एक क्वेश्चन से मैं आपको दो दो तीन तीन क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है कि अमीबा किस अंग की सहायता से भोजन निगलता है? जीभ की सहायता से, पादप, मुख गुहिका, आंत। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो का आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी अमीबा कूट पदार्थ के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। जब यह किसी भोज्य पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसे पकड़ने के लिए कूट पादों द्वारा उसे चारों ओर से घेर लेता है, जिससे एक प्याले नुमा रचना बनती है, जिसे फूड कप कहते हैं। इस प्रकार भोजन ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? फेगोसाइटोसिस। तो दोस्तों भोजन, इस तरह एक भोजन ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? फेगोसाइटोसिस। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि फेगोसाइटोसिस क्या है, तो आप कहेंगे कि कूट पदार्थ द्वारा भोजन ग्रहण करने की जो क्रिया होती है उसे ही कहते हैं। दोस्तों एनएमएमएस एग्जाम का मॉडल पेपर यानी एनएमएमएस एग्जाम का पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपने मोबाइल का गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको सिंपली टाइप करना है studymandir.com। तो दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिंपली आपको टाइप करना है studymandir.com, फिर आपको सर्च करना है। तो दोस्तों सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक नजर आ रहा होगा, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सिंपली आपको क्या करना है कि नीचे की तरफ स्लाइड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनएमएमएस एग्जाम के मॉडल पेपर, एनएमएमएस एग्जाम के ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हैं, और दोस्तों आपके जो एडमिट कार्ड एप्लीकेशन जो फॉरम है वो भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप एनएमएमएस एग्जाम का रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं, और हाल ही में जो एनएमएमएस एग्जाम होंगे उनकी जो आंसर की है वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिससे आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर एंटर कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। समांगी मिश्रण का उदाहरण है शक्कर वे दूध का मिश्रण, रेत वे लोहे का मिश्रण, मिट्टी वे पानी का मिश्रण, तेल वे पानी का मिश्रण। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शक्कर वे दूध का मिश्रण। शक्कर वे दूध का मिश्रण एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी मिश्रण के अवयव कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मिश्रण है जिसमें कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, तो आप कहेंगे समांगी मिश्रण। तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चार। इसमें क्या है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन
मिलकर क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उपरोक्त में परिवर्तन कीजिए भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक या जैविक। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी रासायनिक, ऑप्शन नंबर 2 रासायनिक। यह एक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। कैसा परिवर्तन होता है दोस्तों? अनुत्क्रमणीय। यह परिवर्तन कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय, क्योंकि दोस्तों इसमें एक नया पदार्थ बनता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? H2O2CO2। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी CO2। तो दोस्तों अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं NaHOC3। तो दोस्तों इस तरह भी हम इसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट को की समीकरण बताइए, तो आप इस तरह इसे लिख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है कौन सा रोग होता है? मधुमेह, स्कर्वी, गलगण या बेरीबेरी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर 1 मधुमेह रोग। तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि निम्नलिखित में विलुप्त जंतु है तार मछली, तारा मछली, समुद्री घोड़ा, डायनासोर, कोआ। विलुप्त वो यानी जो हमारे इस धरती पर वर्तमान में मौजूद नहीं है, जो विलुप्त हो चुके हैं। तो कौन सा है यह तो आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही बताते हैं। मुझे पता है कि सभी बच्चे इसका आंसर सही बताएंगे कि ऐसा कौन सा जीव है जो विलुप्त हो चुका है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान का राज्य पंछी कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9। जलीय जीवों में श्वसन होता है गलफड़े, रंध्र, फेफड़े, वायुनली। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गलफड़े। जलीय जीवों में श्वसन कहां से होता है? गलफड़ों से। तो दोस्तों जलीय जीवों में गलफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। ये अपने मुंह के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त जल को ग्रहण करते हैं और गलफड़ों द्वारा जल को शरीर के बाहर पंप करके गैसों का आदान प्रदान करते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मानव मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है खोपड़ी, अल्ना, ह्यूमरस, फीमर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 खोपड़ी। तो दोस्तों खोपड़ी मानव मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो दोस्तों मानव की खोपड़ी में होती है 29 अस्थियां। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 29 अस्थियां होती है। यह चेहरे की पेशियों के जुड़ने के लिए सतह प्रदान करती है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दाब का मानक है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर या जूल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12। सीपीयू का भाग है मेमोरी, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मेमोरी। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 मेमोरी। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चाल का सूत्र। तो दोस्तों चाल का सूत्र क्या होता है? चाल का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर 1 चाल बराबर तय की गई दूरी बटा में दूरी तय करने में लगा समय। क्वेश्चन नंबर 14। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा तथा स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, इसलिए। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित पदार्थों में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? सोडियम, पारा, एल्यूमिनियम, चांदी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पारा। किसका उपयोग किया जाता है? पारा। पारा का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है, क्योंकि ताप में परिवर्तन के साथ पारा फैलता तथा सिकुड़ता है, इसलिए।
आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो वीडियो पर बने रहना, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों जल्द ही मैं मैट पेपर भी आपको करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16, सिरोही जिले में स्थित वन अभयारण्य, तो दोस्तों कौन सा है? गजनेर वन्य जीव अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य, माउंट आबू अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, माउंट आबू अभयारण्य। तो दोस्तों माउंट आबू अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। तो दोस्तों यह अभयारण्य 208 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 208 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट यहां से बनते हैं कि इसकी स्थापना 1960 में हुई और इसका कितने क्षेत्र में फैला है? 288 वर्ग किलोमीटर में, सॉरी दोस्तों 288 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यह वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू के पास है। कौन से दोस्तों? हिल स्टेशन माउंट आबू के पास है। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है? ये तो आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक दो होती है आपकी खरीफ की फसल, एक होती है आपकी रबी की फसल, एक होती है आपकी जायद की फसल। ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार की फसलें होती है। तो दोस्तों खरीफ की फसल है वो जून जुलाई में बोई जाती है, रबी की फसल है वो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, और जायद की फसल फरवरी मार्च में बोई जाती है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों इसमें क्या है कि सोने की शुद्धता मापने की इकाई कौन सी है? तो दोस्तों सोने की शुद्धता मापने की इकाई कौन सी है? कैरेट, न्यूटन, जूल, केल्विन। तो दोस्तों 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कैरेट। तो दोस्तों सोने की शुद्धता मापने की इकाई कौन सी है? कैरेट। क्वेश्चन नंबर 19, नाइलोन बनता है एडपिक अमल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से, अल्कोहल और कीटोन से, सेल्यूलोस एम कार्बन डाइऑक्साइड से, या सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अमल से। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। यानी दोस्तों एडपिक अमल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 20, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन या उदासीन अभिक्रिया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व उष्णन है, तापमान का बढ़ना, तापमान का घटना, या दाब का बढ़ना, या दाब का घटना? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ताप का बढ़ना। निरंतर बढ़ते प्रदूषण के कारण धरातलीय वातावरण एवं समुद्र के औसत तापमान में हुई वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वातावरण में CO2 जैसी हरित ग्रहें गैसों के सांद्रता बढ़ने के कारण वातावरणीय तापमान में वृद्धि होती है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कायिक जनन पाया जाता है आलू में, गेहूं में, नीम में, या मटर में? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आलू में। कायिक जनन आलू में पाया जाता है। मात्र पादपों के कायिक अंगों जैसे दोस्तों तना, जड़ एवं पत्ती द्वारा नए पादपों के निर्माण की प्रक्रिया को कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन किसे कहते हैं? मात्र पादपों के कायिक अंगों जैसे तना, जड़ एवं पत्ती द्वारा नए पादपों के निर्माण की प्रक्रिया को कायिक जनन कहते हैं। आलू के कंद में अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। कलिका युक्त कंद अनुकूल वातावरण मिलते ही नए पादप का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों ये बातें आप याद रखना। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि दोस्तों इससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछे जाए तो आप आसानी से उनका जवाब दे पाए। क्वेश्चन नंबर 23, मानव रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? साइनोहाइड्रिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, नाइट्रोसाइनिन के कारण, हाइड्रोजन क्लोराइड के कारण? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। मानव रुधिर का लाल रंग रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक होता है। इसमें Fe+2 यानी दोस्तों Fe+2 पाया जाता है। यह ऑक्सीजन के संवहन तथा शरीर में अम्ल क्षार संतुलन के नियंत्रण में सहायक होता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कृमि के उपचार हेतु प्रयुक्त टेबलेट है अल्वेंडेजोल,
क्रोसीन, फ्लेक्सोन या मेटासीन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक, अल्बेंडाजोल। क्या है दोस्तों? अल्बेंडाजोल एक कृमि नाशक या कृमि रोधी दवा है। यह हमारे शरीर में कीड़ों कृमि की वृद्धि को रोकती है। इसका उपयोग पुरक टेपवर्म और डांग टेपवर्म जैसे कृमियों के कारण होने वाले संक्रमणों के उपचार में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, कार्य का मानक है न्यूटन, किलोग्राम, जूल, वॉट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जूल। कार्य का मानक यानी मात्रक कौन सा है? जूल। क्वेश्चन नंबर 26, सुनने योग्य ध्वनि यानी श्रव्य ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन नंबर 3, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में क्या, नींबू का रस क्या है? सुचालक है, कुचालक है, अर्धचालक या चुंबकीय है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक, सुचालक। नींबू का रस सुचालक है। सिट्रिक अम्ल एच प्लस आयन उत्पन्न करता है। ये एच प्लस आयन विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसलिए ये सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी के लिए पलायन वेग है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, भारत में रेडियो के प्रसारण की शुरुआत कौन से सन में हुई? 1926 में, 1927 में, 1928 में, 1925 में। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मानव नेत्र का भाग नहीं है रेटिना, कॉर्निया, पुतली, ड्यूडिनम। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ड्यूडिनम। यानी ड्यूडिनम दोस्तों क्या है कि मानव आहार नाल का भाग है। किसका भाग है? आहार नाल, आहार नाल। तो दोस्तों ड्यूडिनम में वो मानव नेत्र का भाग नहीं है, यह है आहार नाल का भाग है जो कि पाचन तंत्र से संबंधित है, यह मानव नेत्र का भाग नहीं है। रेटिना, कॉर्निया, पुतली मानव नेत्र का भाग है। क्वेश्चन नंबर 32, तारों का टिमटिमाना होता है परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विक्षेपण के कारण या अभिसारित होने के कारण? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। तारों में आने वाला प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब विभिन्न ऊंचाइयों पर वायु के परिवर्ती प्रकाशिक घनत्व के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है तथा यह प्रक्रिया प्रकाश के पृथ्वी तक पहुंचने तक निरंतर होती रहती है, जिस कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो इसमें क्या, निम्नलिखित में से विषैली गैस कौन सी है? CO2, COO2, H2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, CO। CO एक विषैली गैस है जिसे हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो श्वास के साथ ग्रहण किए जाने पर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर एक स्थायी यौगिक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या दोस्तों? कार्बोक्सी 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 हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। इसकी हीमोग्लोबिन से O2 की तुलना में 280 गुना तक अधिक बंधुता होती है। कितनी गुना तक? 280 गुना तक। आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी गुना तक बंधुता होती है? तो आप कहेंगे 280 गुना तक। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कब मनाया जाता है? बी यानी 5 जून को मनाया जाता है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, घरों में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? LPG, CNG, CO2, O2। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक, LPG गैस। क्वेश्चन नंबर 36, बकरवाल जनजाति का संबंध किस पर्वत से है? रोकीज, एंडीज, हिमालय, अरावली। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हिमालय से। क्वेश्चन नंबर 7, सौर मंडल की ऊंचाई है 13 किलोमीटर, 13 मीटर, 13 मील, 13 सेमीमीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 13 किलोमीटर। सौर मंडल की ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर आपका
चैप्टर वाइज साइंस का पूरा सिलेबस करवा दिया गया है आपका। आप अगर उन क्लासेस को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप उन सभी क्लासेस को अपने एग्जाम से पहले देख सकते हैं। और दोस्तों सामाजिक विज्ञान, मैट पेपर सभी की मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाए हुए हैं, जाकर उन्हें जरूर देखना। तो दोस्तों अब मैं आपको मॉडल पेपर यही करवा रहा हूँ, यही आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 200 सेमीमीटर, 180 सेमी, 91 सेमी या 117 सेमी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 91 सेमी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, मेसोपोटामिया सभ्यता किस महाद्वीप में विकसित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एशिया महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 40, पोल्डर शब्द का संबंध किस देश से है? अमेरिका, भारत, नादरलैंड, इंग्लैंड? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नादरलैंड। किससे है दोस्तों? नादरलैंड। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, गलत युग्म को पहचानिए। तो दोस्तों गलत युग्म को पहचानना है तो यहाँ पे प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास ऑस्ट्रेलिया, ब्लैड यहाँ पे दोस्तों अफ्रीका, स्टेपीज यहाँ पे एशिया। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पंपास ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिणी भारत में स्थित है? बिहार, राजस्थान, केरल, मेघालय? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केरल। केरल राज्य दक्षिणी भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, कौन से शब्द का संबंध गंगा के मैदान से है? सह्याद्री, बावर, शिवालिक, सतपुड़ा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बावर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पड़ोसी राज्य नहीं है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड? तो दोस्तों उत्तराखंड पड़ोसी राज्य नहीं है। इससे रिलेटेड मैंने एक टॉपिक करवाया हुआ है जिसमें मैंने बताया कि पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और दोस्तों उनमें जीके के क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे आपके एग्जाम में, सब मैंने उस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों आप उन वीडियोस को जरूर चेकआउट करना। तो दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे राजस्थान के साथ 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दोस्तों गुजरात। और दोस्तों एक हमारे साथ देश लगता है, कौन सा लगता है? पाक, यानी पाकिस्तान। तो दोस्तों ये बातें याद रखना। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय महामरुस्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान में। भारतीय महामरुस्थल राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान का कौन सा पर्वत जल विभाजक रेखा है? हिमालय, अरावली, मेकाल, सतपुड़ा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अरावली। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के, तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको वीडियो पसंद आ रही है, इसलिए हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो और बनाते रहें। तो इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 47, झुंझुनू जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, पेट्रोलियम, तांबा, जस्ता? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्या है? ऑप्शन नंबर 3, तांबा। तांबा के लिए झुंझुनू जिला प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 48, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या 28%, 35%, 31% या 26% है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 31%। कितनी है दोस्तों? 31%। क्वेश्चन नंबर 49, मानव विकास सूचकांक 2014 के अनुसार किस देश के प्रथम क्रम हासिल किया है? प्रथम क्रम किसने हासिल किया है? नॉर्वे, भारत, जर्मनी, जापान? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नॉर्वे ने। किसने किया? नॉर्वे ने। क्वेश्चन नंबर 50,
किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों मैंने संविधान की विशेषताओं से रिलेटेड भी काफी वीडियोस बनाई हुई है, तो दोस्तों वो मैंने सेकंड चैनल पर करवाया है। एनएमएमएस एग्जाम में संविधान से रिलेटेड यानी टॉपिक कंप्लीट टॉपिक का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है, वो मेरे सेकंड चैनल पर वीडियोस अपलोड हैं। सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट जरूर करना। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका इनका संविधान कैसा है? लिखित। क्वेश्चन नंबर 51, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को, 26 नवंबर को, 26 जुलाई को या 26 जनवरी को? इसका आंसर तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसका आंसर जल्दी से कॉमेंट करके बता दें मुझे। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6, ऑप्शन नंबर 4 6। कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की, कौन सा भारत का सबसे नव निर्मित राज्य है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में, 2009 में, 2001 में, 2012 में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक 2005 में। क्वेश्चन नंबर 55, सुखोई 30 क्या है? मिसाइल, विमान वाहक, पनडुब्बी, लड़ाकू विमान? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लड़ाकू विमान। सुखोई 30 लड़ाकू विमान है। क्वेश्चन नंबर 56, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंग अनुपात कितना है? 928 महिलाएं प्रति हजार पुरुष, 938 महिलाएं प्रति हजार पुरुष, 921 महिलाएं प्रति हजार पुरुष, 942 महिलाएं प्रति हजार पुरुष? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक 928 महिलाएं प्रति हजार पुरुष। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान आणविक ऊर्जा परियोजना स्थित है सीतापुरा, पचपदरा, रावतवाटा और बीवाड़ा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रावतवाटा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रण माध्यम का उदाहरण है? टेलीफोन, जर्नल, मोबाइल, रेडियो? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जर्नल। क्या है दोस्तों? जर्नल। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, राज्य सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? 66 विषय, 97 विषय, 47 विषय या 47 विषय? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक 66 विषय। क्वेश्चन नंबर 68, इंडोनेशिया शब्द का अर्थ क्या है? भारतीय गांव, भारतीय संस्कृति, भारतीय स्थल या भारतीय द्वीप? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भारतीय द्वीप। क्वेश्चन नंबर 61, बोरोबुदुर मंदिर स्थित है सुमात्रा, जावा, बोर्नियो या बाली? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्या है? जावा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत में संबंधित है, उत्तर भारत से संबंधित है? पल्लव, चोल, चालुक्य, चौहान? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्या है? ऑप्शन नंबर 4 चौहान। क्वेश्चन नंबर 63, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, कर्नाटक में, ओडिशा में या केरल में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा में। कहां पर है दोस्तों? ओडिशा में। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64, पानीपत की प्रथम लड़ाई की गई थी 1526 में, 1626 में, 1426 में या 1326 में? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1526 में। क्वेश्चन नंबर 65, हल्दी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि के लिए, युद्ध के लिए, उद्योग के लिए, बांध के लिए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 युद्ध के लिए। हल्दी घाटी किससे प्रसिद्ध है? वो युद्ध के लिए। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, सुनारगढ़ किला स्थित है उदयपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में? तो कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 67, लाल किला का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं? तो दोस्तों किसने करवाया था? शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 28, विजय स्तंभ कहाँ है? भीलवाड़ा में, रणथंभौर में, चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में?
तो दोस्तों कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 59, ज्योतिबा फुले रिक्त स्थान के रूप में जाने जाते हैं, योद्धा के रूप में जाने जाते हैं, अभिनेता के रूप में, राजनेता या फिर समाज सुधारक के रूप में। ज्योतिबा फुले समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, किसके रूप में जाने जाते हैं? समाज सुधारक के रूप में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1914 में, 1916 में, 1918 में, 1913 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1914 में।